आप देख रहे हैं अग्निपथ, आपके साथ मैं हूं श्रेय शुक्ला। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सियासत की बहस नोट पर आ गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिवाली के मौके पर पूजा करते हुए उनके मन में एक ऐसा विचार आया कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। सियासत में ख्याल यूं ही नहीं आते, उनके पीछे वजह जरूर होगी। क्योंकि कहा जाता है कि सियासी लोग छींकते भी हैं तो उसके पीछे वजह सियासी भी होती है। अब नोट के भविष्य और वर्तमान दोनों पर बात हो रही है। केजरीवाल की मांग को बीजेपी ने स्टंटबाजी, तो कांग्रेस और बसपा का कहना है कि नोट पर बाबा साहब की तस्वीर होनी चाहिए। नोट कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, देश में ये तय करने का काम रिजर्व बैंक के पास। एक अलग विभाग इस काम को देखता है, फिर सियासी लोग ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। अगर मैं आपकी जानकारी को कुछ बढ़ाना चाहूं तो मैं बताऊंगा कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के तहत नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास होता है। अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो धारा 25 के तहत रिजर्व बैंक का सेंट्रल बोर्ड इसे प्रस्तावित करता है। भारत सरकार इसको मंजूरी देती है। करेंसी मैनेजमेंट को की जो पूरी जिम्मेदारी है वो आरबीआई के एक अलग विभाग के पास होती है। फिलहाल इसके अध्यक्ष डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर हैं। और अगर पहले की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा था कि संविधान करेंसी पर धार्मिक प्रतीकों के उपयोग की अनुमति नहीं देता है। हालांकि 2002 में 5 रुपये और 10 रुपये के खास सिक्कों पर वैष्णो देवी की तस्वीर छप चुकी है। यहाँ पर आपको एक रोचक बात और बता दूँ कि इंडोनेशिया में 1998 में 20,000 रुपया के नोट पर भगवान गणेश की फ़ोटो छपी थी। वहाँ की सरकार ने उस वक्त शिक्षा की थीम के तहत इसे जारी किया था। हालांकि अब इंडोनेशिया में ये नोट चलन में नहीं है। 20,000 रुपये के इस नोट पर एक ओर भगवान गणेश की और दूसरी ओर इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री की फ़ोटो थी, और एक तरफ बच्चों के पढ़ाई करते हुए बच्चों की फ़ोटो थी। इंडोनेशिया के कई हिस्सों में चोल वंश का शासन था। इस दौरान वहाँ पर कई मंदिरों को बनवाया गया। गणेश जी को इंडोनेशिया में कला, बुद्धि और शिक्षा और भगवान का रूप माना जाता है। अब अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह की सियासत हो रही है वो एक बिल्कुल नए ढंग की सियासत हो रही है। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनके सपने में भगवान आए थे और इन सपनों की वजह से उनको लगता है कि गणेश और लक्ष्मी की फ़ोटो यहाँ पर होनी चाहिए। और ख़ास बात यह है कि ये ख्याल उनको ठीक गुजरात चुनाव से पहले आया है। ऐसा ख्याल गुजरात चुनाव से पहले कैसे आया, ये भी सोचने वाली बात है। और जैसे ही उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, उसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। ये भी कहा जाने लगा कि ये हिंदू कार्ड खेल रहे हैं और एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी, जिसको कहा जाता है कि वो हिंदू कार्ड खेलती है, वही कार्ड अब आम आदमी पार्टी खेलती हुई नज़र आ रही है। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं, फिर इस रोचक बहस को हम शुरू करेंगे। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा रवि भट्ट जी हैं जो कि इतिहासकार हैं, और मनोज पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं। चक्रपाणि महाराज अध्यक्ष हिंदू महासभा के हैं। राकेश त्रिपाठी, जिनका मैं परिचय पहले ही करा चुका हूँ, और वंशराज दुबे जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। तो शुरुआत हम उन्हीं से ही करेंगे, वंशराज दुबे जी से ही करेंगे। कि वंशराज जी, एक सवाल मेरा कि ये अचानक से गणेश जी और लक्ष्मी जी की फ़ोटो नोट पर आए, ये ख्याल आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के दिमाग में कैसे आया?
देखिए नमस्कार आपको और आप सभी आपके सभी दर्शकों को। दरअसल जिस मामले का जिक्र आप कर रहे हैं, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने आप तमाम पत्रकारों को, देश की जनता को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से एक निवेदन किया, एक गुजारिश किया और एक दरअसल सिर्फ सीधा सीधा एक मामला, ये आस्था का मामला है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आज लगातार जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, रुपया कमजोर हो रहा है, भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन इन तमाम चीजों पर सरकार जो प्रयास कर रही है वो कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है। आज हम लोग को कहीं ना कहीं से भगवान की जरूरत है, भगवान की कृपा की जरूरत है, ताकि इन सारी चीजों पर हम एक तरीके से मजबूत हो सकें। आप सोचिए कि हम जितने लोग इस चैनल पर बैठे हुए हैं, सारे प्रवक्ता सुबह जब भी कोई अपना काम शुरू करते हैं तो एक बार भगवान का स्मरण करते हैं। हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम मंदिर भेजते हैं कि वो ताकि संस्कारी बने और अच्छे इंसान बने। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने एक सार्थक मांग, एक तरीके से पॉजिटिव मांग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से किया है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। कारण समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, बौखलाए क्यों है ये लोग? अनर्गल आरोप अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगा रहे हैं, दुनिया भर का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सीधा सीधा मसला है। आप सोचिए, इंडोनेशिया एक देश है जो मुस्लिम आबादी वाला देश है, 85% आबादी जहां पर मुस्लिम है, उस देश की करेंसी पे भगवान गणेश जी की प्रतिमा फोटो लगी हुई है। डॉलर पे आप बात कर लीजिए, आप हिंदुस्तान के ही, आपको पता हो कि कांग्रेस के शासनकाल में 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के पे माँ भगवती दुर्गा जी की तस्वीर आई थी, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस बात का समर्थन किया। तो ये जो पूरा मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक भक्त का, एक भगवान के प्रति जो आस्था है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने यही इतना निवेदन नरेंद्र मोदी जी से किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? 8 बजे रात को आप बिना बताए पूरे देश के सामने नोटबंदी कर सकते हैं, लेकिन कह रहे साहब ये कैसे हो सकता है? मतलब आप बिना बताए हिंदुस्तान के किसी भी जनता को बिना बताए 8 बजे आप नोटबंदी कर दिए। लेकिन जब एक सार्थक मांग अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, भगवान से जुड़ते हुए एक मांग कर रहे हैं, तो इसमें आपको आपत्ति हो जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी का तो विरोध कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत कहते हुए दुख प्रकट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान का विरोध करने पे उतर आए हैं, लक्ष्मी और गणेश जी का विरोध करने उतर आए हैं। और इसमें कोई देखिए दो राय नहीं है, इस बात को आप समझिए। ये वो लोग हैं जिनका एक नेता सदन के अंदर खड़े होकर इस बात को कहता है कि विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम। आप सोचिए, मां लक्ष्मी विष्णु भगवान के चरणों में रहती है। जब भगवान को ये लोग नहीं छोड़े सदन के अंदर, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की मांग है, जो मांग है उसके साथ ये भाजपा ही खड़े होते हुए नजर नहीं आएंगे। जी राकेश त्रिपाठी जी का मैं रुख करूंगा। राकेश जी, आपका स्वागत है। आपने अभी सुना दुबे जी को, दुबे जी ने कहा कि भाई बीजेपी बौखलाई हुई है और उनकी अगाध आस्था है भगवान के ऊपर, यानी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, तो उसमें दिक्कत क्या? उनकी मांग मान लेनी चाहिए। नहीं देखिए श्रेय जी, अगर केवल बात आस्था की होती तो निश्चित तौर पर इस मांग पर विचार भी होता, इस मांग पर चर्चा भी होती। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का इसके पीछे मंतव्य क्या है, ये मनसा क्या है, किन कारणों से, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है, इसलिए आश्चर्य हो रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जब ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं, एक एक करके उनके बयानों को देखें, कि राम जन्मभूमि के संदर्भ में उन्होंने किस तरह से कहा कि मेरी नानी ने मना किया कि जहां बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ है वहां प्रभु राम कैसे विचार सकते हैं, जहां उन्होंने पहले ये बयान दिया कि मंदिर जाने से किसी का भला नहीं होता है, आज ये बात उन्हें इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि उनके यही गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने मंदिरों को लेकर के अभद्र टिप्पणी की है। इस बात को उनको जरूरत पड़ रही है क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम के बयान के बाद से गुजरात के चुनाव में जगह जगह पर अरविंद केजरीवाल का भारी भरकम विरोध हो रहा है और इसलिए वो गुजरात के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज उन्होंने ये बात की है। लेकिन ये बात करने में शायद उनसे चूक हो गई, ये गलती हो गई। और अरविंद केजरीवाल की अब तक की राजनीति में जैसे यू टर्न लेने का जो उनकी प्रवृत्ति रही है, उनको फिर यूटर्न लेना पड़ेगा क्योंकि एक पुरानी कहावत है, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। अब ये हिंदू वोटों के लिए बढ़े हैं, पहले तुष्टीकरण करते हुए हिंदुओं का अपमान करते रहे और अब हिंदू तुष्टीकरण करने के लिए बढ़े, लेकिन अब ना वो उनका वो मुस्लिम तुष्टीकरण बचेगा ना हिंदू तुष्टीकरण बचेगा क्योंकि पहले
फ्री के लालच में इन्होंने एक कोशिश की कि गुजरात के लोगों को कैसे फ्री का लालच दिया जाए, गुजरात के लोगों ने खारिज कर दिया। जगह जगह अरविंद केजरीवाल की वोटिंग हुई। राजेंद्र पाल गौतम और गोपाल इटालिया के इस बमबारी को वह संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए जानबूझ करके एक सिगुफा छोड़ा है। अब इस सिगुफे पर बात कर ले। देखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि धर्म से जुड़े हुए मसले को पहले ही बाजार ने बहुत विद्रूप कर रखा है। बाजार ने जिस तरह से देवी देवताओं की तस्वीरों को चप्पल से लेकर के अंडरवियर तक और टॉयलेट के नैपकिन तक छाप करके जिस तरह से अपमानित किया हुआ है, यह उसी का एक संस्थागत करने का प्रयास है। मैं मानता हूं कि किसी भी नोट पर जब देवी लक्ष्मी की फोटो होगी, जब गणपति भगवान की फोटो होगी, और वो फोटो क्या किसी मांस की दुकान पर, किसी मदिरा की दुकान पर, किसी वैश्यालय में या किसी ऐसे स्थान पर जहां पर भगवान की गरिमा, भगवान की मर्यादा, भगवान की आस्था का सम्मान नहीं हो सकता, उन हाथों में जाएगी, उन हाथों द्वारा छू जाएगी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं मानता हूं इस बारे में पहले धर्माचार्यों के साथ एक बार विचार विमर्श करना चाहिए था। और अरविंद केजरीवाल की बात पर जब तक धर्माचार्यों का कोई व्यू ना आ जाए, क्योंकि धर्म से जुड़ी हुई बात है, धर्माचार्यों से बिना परामर्श किए हुए आप इस प्रकार की चुनावी राजनीति के आधार पर चुनावी हिंदू बनने का प्रयास करेंगे, तो इसकी प्रतिक्रिया आपके खिलाफ में होगी। और अरविंद केजरीवाल को इसीलिए यूटर्न फिर इस मसले पर लेना पड़ेगा, क्योंकि कई बार नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो नए नए ये चुनावी हिंदू है ना, इसलिए शायद मुझे लगता है कुछ ऐसी बात कह गए जिसमें इनको नुकसान ही नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं मानता हूं उनकी पूरी मनसा, चाहे वो स्वास्थ्य का विरोध करने को लेकर के रही हो, चाहे उनके नेता संजय सिंह को लेकर के रही हो, और अभी बंसराज दुबे जो कह रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा, थोड़ी राजनीतिक तैयारी ठीक करके आए। अब वो जिस नेता के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उन्होंने जब वो बात कही थी तब वो किस राजनीतिक दल में थे और भारतीय जनता पार्टी ने कितनी मजम्मत की थी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान को न कभी स्वीकार कर सकती थी, न स्वीकार कर सकती है और न कभी स्वीकार करेगी। इस प्रकार के बयान देने वाले लोग जब तक अपने बयान से माफी नहीं मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं होती है। बिल्कुल इस बयान को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? गोपाल इटालिया को पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? और अरविंद केजरीवाल ने अपने नानी के सपने पर अब तक माफी नहीं मांगी है? क्यों नहीं मंदिर पर उन्होंने जो बातें कही थी उस पर माफी मांगी है? संजय सिंह ने जो अपमानजनक टिप्पणियां की उस पर माफी क्यों नहीं मांगी है? यानी अरविंद केजरीवाल का तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हिंदू विरोध का है, और ऐसे में अगर वो कोई कोशिश करे कि रावण अगर साधु का वेश धर करके मां सीता को अगर हरण करने के लिए आएगा, जनता को बहलाने के लिए आएगा, तो लोग अब उसके शक्ल को पहचानते हैं, चेहरे को पहचानते हैं, मनसा को जानते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल की दाल नहीं गलने वाली। वो कितना भी प्रयास करे ये बूमरैंग साबित होगा और उनको फिर माफी मांगनी पड़ेगी। चलिए, अभी आपने कहा था कि धर्माचार्यों का भी रुख ले लेना चाहिए कि क्या कहते हैं। चक्रपाणी महाराज मेरे साथ है। चक्रपाणी जी, आपका क्या कहना है कि अगर जिस तरह की मांग केजरीवाल ने की है, क्या वो मांग मान लेनी चाहिए, वो मांग जायज है? देखिए श्रेय जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये देश निश्चित रूप से भावना प्रधान देश है और यहाँ हिंदू सनातन धर्मियों की एक आस्था है देवी देवताओं के पर। और जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज पत्र भी प्रधानमंत्री जी को भेजा है, जैसा मैंने देखा सोशल मीडिया पे, तो ये तो अभी सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी को तय करना पड़ेगा या केंद्र सरकार को तय करना पड़ेगा कि उस पर क्या हो सकता है, कि चूंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कट्टर सनातनी है और वो धर्म में आस्था रखने वाले, हो सकता है उसको स्वीकार कर ले। लेकिन मेरी अगर जो मेरी विचार अगर जो जानना चाहते हैं, देखो महर्षि महेश योगी ने नीदरलैंड में रामराज डॉलर चलाया, आज भी वहां पे है हॉलैंड में, और उसमें भगवान राम का चित्र है वहां पे। और आप देखिए जो थाईलैंड में जो वहां का जो रुपया है उस पे ब्रह्मा विष्णु महेश का फोटो, बड़े आदर से लोग करते हैं। उसी प्रकार से आप तमाम ऐसे इंडोनेशिया में गणेश जी का है, तो मेरे हिसाब से मैं तो चाहता हूं कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हो, और इसके लिए मैं समर्थन करता हूं कि बिल्कुल नोटों पे अगर जो गणेश लक्ष्मी जी जो चूंकि विघ्न हरता है और विघ्न हरता गणेश जी वो सबके विघ्न हरते हैं, चाहे वो कोई भी जाति, कोई भी मजहब, कोई भी हो, तो निश्चित रूप से वो विघ्न हरता है। गणेश जी की फोटो अगर हो और माँ लक्ष्मी का होता है तो ये हमारे लिए तो बड़ा खुशी का होगा और मैं उसका समर्थन भी करूंगा, तो ये होना चाहिए। दूसरी बात रही बात की भाई वो नोट जब बनेगा तो कहीं मांसाहार के पास जाएगा, मांस काटने वाले शराबियों के पास, तो एक बात है कि आज भी हम मंदिरों में जब नोट चढ़ाने जाते हैं, सिक्का चढ़ाने जाते हैं,
तो ये तो तुरंत टकसाल से तो छप के आता नहीं कि भाई हमारे हाथ में आया तुरंत मंदिर में लगा दिया। वो तो नोट का कोई वो है नहीं कि भाई वो मांस की दुकान से हमारे पास लौट के कहां से आया कहां से नहीं आया, हमें श्रद्धा से चढ़ाते ही है। तो मेन मुख्य विषय ये है कि हमारी हम सनातन धर्म के प्रति और अगर जो देवी देवताओं का हम अगर जो प्रचार करें तो निश्चित रूप से इस रुपये की वैल्यू भी बढ़ेगी पूरे देश दुनिया में। जब दूसरे देश हमारे भगवान राम हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और विघ्नहर्ता गणेश जी की तस्वीर लगा सकते हैं तो भारत है और निश्चित रूप से यहाँ पे लगाया जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ मैंने आज भी ट्वीट किया इसी विषय पे, मैं प्रधानमंत्री जी से मांग किया कि बिल्कुल इसको करना चाहिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी को भी मैंने मांग किया कि दिल्ली का भी नाम इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए और इंद्रप्रस्थ किया जाए इससे और गरिमा बढ़ेगा। तो हमें लगता है कि एक कदम ये चले एक कदम वो चले तो हमारा सनातन गौरव बढ़ेगा, हमारी सनातन धर्म का उत्थान होगा, राष्ट्र का उत्थान होगा। तो ये सिर्फ राजनीति के लिए बयान नहीं दिया जाना चाहिए, सिर्फ इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक लाभ हानि नहीं होना चाहिए बल्कि वास्तव में मनसा वाचा कर्मणा अगर है तो किया जाए तो निश्चित रूप से देश का उत्थान होगा और अच्छा होगा अगर सही मन से किया जाए तो। जी मनोज पांडे जी बताइए कि नोट से वोट मिल सकता है और खास तौर पर विशेष जो तस्वीर लगाई जाए, जैसे आकाश ने भी कहा कि अंबेडकर की तस्वीर होनी चाहिए, आम आदमी की पार्टी कहती है कि गणेश लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए, तो उससे क्या वोट मिल सकता है? देखिए दो प्रश्न आपने किया, पहला क्या नोट से वोट मिल सकता है? अभी गणेश लक्ष्मी या तस्वीर की बात छोड़ दिया जाए तो नोट से वोट की बात तो बड़े लंबे समय से हिंदुस्तान में क्या दुनिया में इस बात का चलन रहता है कि भाई नोट से वोट मिलता है। अब किसको मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इस पर तो बड़ा पॉलिटिकल डिबेट्स होते रहते हैं, बहुत सारे डिबेट्स आपके चैनलों पर भी होते रहते हैं, तो ये तो मान के चलिए कि नोट से वोट मिलता है। अब हम लोग यहाँ प्रश्न नोट से वोट का नहीं कर रहे हैं, नोट पर क्या गणेश लक्ष्मी जी को रखा जाए उससे वोट मिल सकता है, तो प्रश्न यहाँ राजनीतिक है। और अरविंद केजरीवाल जी एक बात जानते हैं, बड़ा स्पष्ट जानते हैं कि ये चुनाव है, चुनाव देश की सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो एक राज्य में राज्य सरकार का के चुनाव में भाग लेने आए हैं गुजरात में, उससे देश के पार्लियामेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पहली बात आप बता रहे थे, धारा 23 बताया, अमेंडमेंट का प्रोसीजर बताया आपने, 25 बताया, और हमारे साथ इतिहासकार भी हैं वो बताएंगे करेंसी का इतिहास तो अपना बनता रहता है। लेकिन असली चीज़ है कि दुनिया में कभी भी आपने देखा जो सत्ता होती है राजनीतिक सत्ता होती है सॉवरेंटी होती है, जब मोनार्क था तब भी और जब मोनार्क नहीं डेमोक्रेसी है तब भी। ये प्रश्न यहाँ डेमोक्रेसी का है, वो जानते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, वो पार्लियामेंट के रेस में नहीं है, और कानून बनाने का अधिकार, चूंकि ये सेंट्रल लॉ की चीज़ें हैं तो इसमें कानून करेंसी में भी अगर कानून बनाने का अधिकार होगा, कोई भी अधिकार होगा, तो वो पार्लियामेंट में निहित होगा। तो केजरीवाल साहब के लिए तो दोनों हाथ लड्डू है कि हिंदुत्व की भी बात करो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व की बात करती है, अब वो भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो कॉपीराइट की लड़ाई है कि हिंदुत्व किसका, हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का या हिंदुत्व के चेहरे वो भी बन सकते हैं, इसका है पहली बात। दूसरी बात कि मांग करने में क्या जाता है, मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट में बिल लाए प्रधानमंत्री तो कहेंगे हमारी वजह से आया, और नहीं लाएंगे तो कहेंगे भैया ये लोग केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, ये सनातनी संस्कृति में भरोसा नहीं रखते हैं। तो केजरीवाल दोनों हाथों में लड्डू रख करके और राजनीतिक लाभ लेने का एक प्रयास कर रहे हैं, और राजनीति है, राजनीति में राजनीतिक लाभ लेना कोई गुनाह भी नहीं है। तो जो आपने कहा नोट से वोट, तो उस नोट से गणेश लक्ष्मी को ला करके वो वोट में तब्दील करना चाहते हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदुत्व का कॉपीराइट अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। एक दूसरा वो इसी बहाने, देखिए कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करेगी, कांग्रेस कह नहीं सकती, बसपा के लोग अगर बसपा को देखेंगे आप तो बसपा कभी भी गणेश लक्ष्मी या हिंदू देवी देवताओं या सनातनी संस्कृति की बात नहीं कर सकती। वो तो कह रहे हैं कि अंबेडकर जी की बात करेंगे अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ छत्रपति शिवाजी की बात होने लगेगी, देश के दूसरे हिस्सों में और कई बातें होने लगेंगी, तो एक राजनीतिक माहौल बनेगा। और राजनीति में अगर आप देखें भाई स्वर्गीय मुलायम सिंह जी एक बात कहा करते थे कि राजनीति में तीन चीजें आवश्यक है, चर्चा पर्चा और खर्चा। तो अब नेताजी तो दुनिया से अलविदा हो गए हैं, वो श्रद्धेय हैं
लेकिन उनका जो फार्मूला है चर्चा पर्चा और खर्चा, तो चर्चा पर्चा और खर्चा चल रहा है, अब आपके यहाँ डिबेट चल रहा है, बहुत सारे लोग सुनेंगे, इतना बड़ा चैनल है, इसको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो भैया केजरीवाल साहब को तो चर्चा पर्चा और खर्चा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय दल है, लेकिन क्षेत्रीय दल होते हुए भी अगर राष्ट्रीय पार्टी उनकी चर्चा करे, उन पर कुछ खर्चा करे और चर्चा करे, खर्चा भाई नोटबंदी आपका वो नोट से वोट है, अगर इतना हो तो निश्चित रूप से उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा, वो जानते हैं इसे कुछ मिलना नहीं है, तो उनके लिए तो दोनों हाथ लड्डू है, जो मुझे लग रहा है राजनीतिक रूप से केजरीवाल साहब राजनीतिक रूप से। अच्छा, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उनका पुराना इतिहास बताएं तो भी उनको फायदा है कि चलो भैया वो राम के थे नहीं थे, नानी की याद आई तो अब उनकी खुद की याद आ रही, तो वो कई चीज़ें दिखाना चाहते हैं, वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो सेकुलर भी हैं और वो सेकुलर नहीं भी हैं, वो हिंदुत्व के एजेंडे पर भी हैं, वो साफ्ट हिंदू है, ऐसा नहीं कि वो मुसलमानों के वोट का कहीं विरोध कर रहे हैं, तो उनके तो दोनों हाथ लड्डू ही लड्डू है, ये बड़ा स्पष्ट है जी। मैं रवि भट्ट जी का रुख करूँगा। रवि भट्ट जी, आप इतिहासकार हैं, करेंसी की अगर बात करें और इतिहास की बात करें तो जो देवी देवता हैं या जो बड़े महापुरुष हुए हैं, क्या उनका इतिहास रहा है एक पुराने समय में कि उनकी फ़ोटो छपनी चाहिए और उससे जनता के बीच में कोई मैसेज भी जाता है? देखिए, जहाँ तक करेंसी का सवाल है, प्रश्न है, मुद्रा का प्रश्न है, ये एक बात बहुत हमने अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि किसी भी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी भी शासक की एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर फाइनल अथॉरिटी थी कि नहीं थी, तो वो हमेशा इस बात से कम्युनिकेट होती थी कि वेदर उनके नाम से क्वाइंस वहाँ पर और करेंसी नोट निकाले गए हैं कि नहीं निकाले गए हैं, और करेंसी नोट अगर आए हैं तो वो एक्सेप्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जब तक शुरू की बात है, शुरू में आपको मालूम है कि मुद्रा के चलन के पहले शुरू में जो आते थे वो सिल्वर और गोल्ड के ही क्वाइन हुआ करते थे, तो सिल्वर और गोल्ड के क्वाइन तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, किसी के भी हो, क्योंकि उसकी रियल वैल्यू हुआ करती थी, वो जो जितने का जितने की मुद्रा होती थी उतने ही करीब करीब सोना या चांदी उसके अंदर हुआ करती थी। लेकिन जब करेंसी नोट के बजाय वहाँ जब उसके सिल्वर सोने और चांदी के सिक्कों के जगह पर कॉपर के सिक्के शुरू हुए, और उसके बाद में फिर आपको मालूम है कि चाइना के अंदर और तीन कंट्रीज से जहाँ पर कि एक इंडिया, चाइना और टर्की, जिसको लेडियना भी कहते का एक पर्टिकुलर क्षेत्र था, जहाँ पर एक साथ करीब करीब करेंसी नोट यहाँ पर शुरू हुए करीब करीब एक ही साथ, रफली 11th सेंचुरी की बात यह है। जब करेंसी नोट शुरू हुए तब वास्तव में शासक की प्रतिष्ठा वहां पर दांव पर रहती थी, क्योंकि कागज का नोट है उसकी कीमत अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर जिस शासक ने उसको इशू करा है उसकी साख है जनता के बीच में, तो फिर जनता उसको एक्सेप्ट करेगी। अब यहां पर जो शासक होते थे वो अलग अलग जनता के बीच के अंदर अपनी साख को पैदा करने के लिए करेंसी नोट पे और इवन जो सिक्के होते थे उसके ऊपर भी अक्सर अपनी फोटो बना दिया करते थे, या कि एक प्रतीक के रूप में कोई भी किसी भी चीज़ को चिन्हित कर दिया करते थे। यही बात आपके टैंग डायनेस्टी के अंदर भी हुई है 7th सेंचुरी के अंदर, यही बात करें जब वो उसके बाद में जब 11th सेंचुरी की बात आई तब भी इसकी बात हुई, उसके बाद जब यहाँ हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर आपके मुगल शासक हुआ करते थे, डिफरेंट सिक्के जब निकला करते थे तब भी उन पर वही बात हुआ करती थी, और 1870 के आसपास जबकि अंग्रेज में यहाँ पर पहला करेंसी नोट निकला तो उसके अंदर भी आई जब बैंक ऑफ बंगाल बिहार और बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इन्होंने इसी पीरियड के आसपास इन्होंने करेंसी नोट निकाले, तो ये जब नोट निकाला तो इसके अंदर उसकी ये बहुत उस समय असली बात पता लगी कि शासक का नोट एक्सेप्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। और यहाँ एक मज़ेदार मैं आपको बात बताऊंगा कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी जिस समय वो वहाँ पर करेंसी नोट के टाइम पर भी काफ़ी समय तक मुगल करेंसी जो थी वो एक्सेप्टेड थी, जबकि मुगल बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन वो करते क्या थे कि अंग्रेज नोट करेंसी अंग्रेज उसके सिक्के निकालते थे और उसके एवज में कुछ पैसे देते थे मुगल्स के जो कमजोर हो चुके थे कि नाम आपका ही रहेगा शुरू के दौरान में बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर जिसमें कि वो एक्सेप्ट हो।
तो जैसा कि अभी पहले बता चुके हैं, हमसे पहले जो लोग बोल रहे थे कि करेंसी नोट के अंदर गणेश जी की इंडोनेशिया के नोट के ऊपर हुआ करती थी, तो इसी ढंग से यहाँ पर भी छुटपुट राजाओं ने अपना जो रीजनल जो रूलर्स हुआ करते डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज थे, उन्होंने जो कॉइन निकाले तो उसके अंदर उन्होंने करा डाला। हिंदुस्तान के अंदर मौर्य पीरियड से शुरू होता है, फिर गुप्ता पीरियड के अंदर यहाँ पर करेंसी आते हैं, फिर शेषासुरी के टाइम पे बहुत चेंजेस आए, फिर मुगल्स आए, उसके बाद अंग्रेज आए। तो और इसके अंदर जो खास बात मैं बोलना चाहूँगा कि करेंसी नोट का भी शुरू में करेंसी नोट एकदम से नहीं आ गया, ये करीब आप 6th और 7th सेंचुरी की बात है चाइना के अंदर। शुरू में क्या होता था कि ये जो मेटल के जो आपके कॉइन्स होते थे बहुत भारी होते थे करेंसी, तो इनको ट्रेडर्स को ले जा लेके चलना बहुत मुश्किल होता था, आम आदमी थोड़ा उठा के चल जाएगा, पर व्यापारी लोग को बहुत दिक्कत होती थी। तो उन्होंने क्या प्रैक्टिस शुरू करी कि उसको एक किसी एक साहूकार के जमा कर देते थे जिसकी कि बाजार के अंदर बहुत अच्छी गुडविल थी, और उससे एक वो ले लिया करते रुक्का टाइप पे लिखवा लिया करते इतना पैसा में, और उस रुक्के को वो जब कहीं और कुछ खरीदते थे तो उसको दे दिया करते थे, ट्रांसफरेबल था कि वो आदमी जाएगा तो साहूकार क्वाइंस जो रियल के सोने चांदी के। इसके बाद में यही चीज चलते चलते जब ये टैंग डायनेस्टी की बात है चाइना के अंदर, उसके बाद में जोंगसोंग जो एम्परर बात है 1022 कॉमन एरा की बात है, आज उसको आप कहना चाहिए बिफोर क्रिश्चियनिटी भी कह सकते हैं, उस पीरियड के अंदर फिर करेंसी नोट निकला। तो अथॉरिटीज ने रूलर ने डिसाइड करा, उन्होंने सांग डायनेस्टी हुआ करती थी, उन्होंने डिसाइड करा कि आप नहीं, पहले उन्होंने लाइसेंस दिए कि तमाम साहूकार लोगों को कि आप करेंसी अपनी निकाल दीजिए, उसके बाद में उन्होंने कहा नहीं अब तो हम निकालें, तो उन्होंने उसको निकालना शुरू करा। तो इन सबके बीच में जब भी ये निकले करेंसी नोट तो आइडिया उसके अंदर आइडिया यही होता था कि वो कॉन्फिडेंस जनरेट करे कॉमन आदमियों के बीच के अंदर जी। तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री है इसकी जी। बहुत बहुत धन्यवाद वंशराज जी। ये बताइए कि आस्था की बात कर रहे हैं आप कि हिंदुओं में आस्था है, गणेश लक्ष्मी जी को लेकर आस्था है। मुझे एक मनोज सिसोदिया जी का बयान याद है जिसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर का जब मुद्दा चल रहा था तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी बन देनी चाहिए, तो उस पर बड़ा विरोध हुआ, हिंदुओं ने भी बहुत विरोध किया। तो अब ये जो बदलता हुआ स्टैंड है ये क्यों है, सिर्फ गुजरात इलेक्शन? नहीं, देखिए दो तीन चीज़ें हैं उसको मैं भी बारी बारी से स्पष्ट करूँगा, और खास करके जो भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी ने जिस बात को रखा, इन्होंने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल जी का, ट्रैक रिकॉर्ड जो मुद्दा आप उठा रहे हैं राम मंदिर का, वो राम मंदिर जिसके निर्माण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से चंदा इकट्ठा किया और चंदे में दलाली का ही पूरा हिंदुस्तान जानता है। गुजरात इलेक्शन का मामला कह रहे हैं गुजरात इलेक्शन में भाई अरविंद केजरीवाल जी तो सीधा स्पष्ट उन्होंने कहा मीडिया के सामने भाजपा के नेताओं से कि हमारी एक विनम्र निवेदन है नरेंद्र मोदी जी से कि इस गुजरात इलेक्शन अगर आपके दिमाग में है तो इसका लाभ आप ले लीजिए, 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, आप अभी से घोषणा कर दीजिए कि 9 तारीख को हिंदुस्तान में जितनी भी नोट है उस पे माँ लक्ष्मी की गणेश भगवान जी की फोटो लग जाएगी। हो क्यों नहीं सकता, जब रात में 8 बजे नोटबंदी का ऐलान नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। तीसरी बात, चुनावी हिंदी की बात हो रही है, बात हो रही है कि बयान स्वीकार नहीं किया जाएगा, अपने एक नेता का बयान स्वीकार की स्थिति में राकेश त्रिपाठी जी नहीं है। कौन से नेता का बयान? क्या दिनेश शर्मा का बयान आप स्वीकार करने के योग्य नहीं है जिन्होंने सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा? क्या आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान को स्वीकार करने योग्य नहीं है जिन्होंने हनुमान जी को दलित कहा? या फिर उत्तराखंड के उस विधायक को, उस निकम्मे विधायक को जिसने कहा, भरी सभा में कहा कि अगर आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ, अगर आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ। बेशर्मी की बात होती है। ये जो लोग कह रहे हैं कि चुनावी हिंदू हैं, अरविंद केजरीवाल जी के इतिहास को आप देखिए, वो हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी जिसने कालनेमी का वध किया था, जो फर्जी राम भक्त होकर घूम रहा था। तो भाजपाइयों को इस गफलत में नहीं रहना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी सनातनी हिंदू हैं, वो धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसलिए 8 साल से जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, लक्ष्मी पूजा की बात हो, गणेश पूजा की बात हो, अरविंद केजरीवाल जी की जो तीर्थ योजना चल रही दिल्ली में जहां पे सभी धर्मों के लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जाती है, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 18 राज्यों में सरकार है, 9 खरीदी हुई, 9 जो है जीती हुई। बताएं कि किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था इनकी सरकार ने दे रखा है कि हिंदू समाज के बुजुर्गों को
भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीर्थ यात्रा करा रही हो मुफ्त में, तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिससे राकेश त्रिपाठी जी बचना चाहेंगे, इसलिए भी बचना चाहेंगे क्योंकि कुंभ के मेले में दलाली इन्होंने खाई, इसलिए बचना चाहेंगे क्योंकि राम के नाम पे, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। मेरा तो छोटा सा एक प्रश्न है, आप बताइए कि काशी में कितनी मंदिर तोड़ी गई, आप बताइए अहमदाबाद में कितनी मंदिर तोड़ी गई, दिल्ली के अंदर कितनी मंदिर तोड़ी गई, आप हमको सर्टिफिकेट बांट रहे हिंदू धर्म का। दूसरी सबसे बड़ी बात है, सीधा सा सिंपल सा सवाल है जिसपे पूरी बहस चल रही है, सवाल क्या है, नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए ये नहीं होनी चाहिए, सीधा सा सवाल है, आप इसका जवाब दे दीजिए बस जी। लेकिन वंशराज जी, एक बात ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं आप लोग, वो एकदम जैसे हार्ड कोर हिंदू की बात करते हैं जो संगठन करते हैं, ठीक है, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि जो मुस्लिम वोट है आपका वो छिटक सकता है, या आपको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? नहीं, देखिए मैं बताया तो आपसे कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति सिर्फ किसी धर्म को ले, विशेष धर्म को लेकर नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी और हम सब लोग सनातनी हिंदू लोग हैं, हम लोग हिंदू मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं। उन्होंने लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा की और मुझे लगता है जितने लोग बैठे सबने की होगी दीपावली के दिन। अगले दिन उनके दिमाग में ये बात आई कि आज जो लगातार कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, कहीं ना कहीं भगवान के वही हमको उबार सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इंडोनेशिया तो मुस्लिम राष्ट्र है, 85% आबादी मुस्लिम है, और अरविंद केजरीवाल जी की जो योजनाएं हैं इस बात को आप समझिए, बिजली फ्री होगी तो सभी धर्मों को मिलती है, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत समस्याएं हैं जो 75 साल आजादी के बाद। लेकिन अगर गणेश लक्ष्मी जी की बात करेंगे तो फिर हिंदू तो खुश होगा ना, जो बड़ा वर्ग है वो खुश होगा। और दूसरी बात ये, जो जिस तरह के बयान आपके गौतम जी ने दिए थे, तो उस पर पार्टी का क्या कहना है, वो पार्टी उससे ना उनको पार्टी से निकालती है ना कोई उनको ऐसा करती है कि एक मैसेज जाए। एक तरफ आप गणेश लक्ष्मी जी की फोटो लगाने की बात कहते हैं, एक तरफ आप बता रहे हैं कि आप सनातनी हिंदू हैं, लेकिन एक तरफ आप अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। नहीं, आप बताइए ना कि गौतम जी ने जो बयान दिया, जो गौतम जी ने गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं ली अंबेडकर जी की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, क्या वो प्रतिज्ञाएं देवेंद्र फडणवीस ने नहीं ली थी? क्या वो प्रतिज्ञाएं इनके भारतीय जनता पार्टी के और अन्य नेताओं ने नहीं ली थी? तो वो भारतीय, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला था, उन्होंने इसीलिए से क्षुब्ध होकर भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति से, इनकी दूषित मानसिकता से क्षुब्ध होकर उन्होंने अपना मंत्री पद त्याग दिया। उन्होंने कहा कि हमारे नेता को ये विरोध क्यों कर रहे भाई, इनकी दुश्मनी मुझसे हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से हो सकती है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल जी से क्या दुश्मनी है उनकी? और यही तो आज हम लोग सवाल कर रहे हैं कि आप लाख गालियां दे दीजिए अरविंद केजरीवाल जी को, आप लाख गालियां दे दीजिए आम आदमी पार्टी को, लेकिन गणेश लक्ष्मी जी का आप क्यों विरोध कर रहे हैं? भगवान गणेश और आप विरोध क्यों कर रहे हैं? यही तो सवाल हम लोग पिछले 3 दिन से पूछ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने बिलबिला बैठे हुए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि बोले तो बोले क्या। तो मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे यही है, खास करके आपके माध्यम से राकेश त्रिपाठी जी से, कि सीधा बताएं ना कि लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की फोटो लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, बस। चलिए राकेश जी से पूछ लेते हैं, राकेश जी ये सीधा सीधा सवाल है और मैं भी चलिए यही सवाल कर रहा हूं कि अगर गणेश लक्ष्मी जी की फोटो लगती है, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, ये हालांकि जो फोटो किसकी लगेगी, कैसे नोट छपेंगे, उसका अधिकार RBI का होता है और वो उसमें अंततः परमिशन जो है वो केंद्र की भी होती है। तो एक सवाल यही है कि क्या दिक्कत क्या है, जो आपने पहले दिक्कत बताई कि तमाम जगह नोट जाता है, ऐसा होता है, चक्रपाणी जी ने बताया कि ये वाले नोट भी तो हर तरफ जाते हैं लेकिन वो मंदिर तक जाते हैं, सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगेगी तो BJP को आपत्ति है? अब देखिए, मैं श्री जी, मैंने पहले ही कहा ना कि किसी भी मसले पर जब विषय धर्म से जुड़ा हुआ हो तो मुझे लगता है कि इस पर व्यापक चर्चा जरूर की जानी चाहिए, और विशेष तौर पर जो इसके विशेषज्ञ हैं, धर्माचार्य हैं, उन धर्माचार्यों की राय ली जानी चाहिए। ये बात सही है कि नोट जो मंदिर तक पहुँचते हैं वो अलग अलग स्थानों से होकर के पहुँचते हैं, लेकिन जब सीधे हाथ में पहुँचेंगे जिसमें चित्र छपे हो भगवान के, मैंने उदाहरण देकर के कहा कि बाजार ने पहले ही विद्रूप किया है, बाजार ने पहले ही हिंदू प्रतीकों का अपमान किया है, पहले ही अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने स्वास्थ्य
पब्लिक के पीछे झाड़ू लेकर के दौड़ते हुए विधायक बंशीधर वो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को पटाने की बात कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप राकेश त्रिपाठी जी, वंशराज दुबे नहीं, राकेश त्रिपाठी आप कैसी बात कर रहे हैं? करने की तमीज सीखो, बदतमीजी नहीं, तमीज आप सिखाइए अपने विधायक को। आपका नेता लक्ष्मी जी को और सरस्वती जी के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहा है, उसको अपने पार्टी से निकाला, आपने उसको पार्टी से निकाला। आप यहाँ पे प्रवचन दे रहे हो, अरविंद केजरीवाल सवाल सीधा है, आप उल्टा उल्टा घूम रहे हो। आपत्तिजनक बातें कही, तमाम आपत्तिजनक बातें कही, और मैं इस आपत्तिजनक बातों के बावजूद वंशराज दुबे की तमाम बदतमीजियों को बर्दाश्त करता रहा। वंशराज दुबे ने इस चैनल पर आपके सामने इस मंच का उपयोग करते हुए कहा कि राम मंदिर के चंदे में भाजपा ने दलाली खाई है। बिल्कुल दलाली खाई है, योगी आदित्यनाथ जी ने दो दिन पहले स्वीकारा कि जमीन कब्जा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं। वंशराज दुबे राजनीति करना भूल जाओगे, वंशराज दुबे नहीं करते, हम लोग सावरकर नहीं है, ये मंच का उपयोग करके, ये इंडिया न्यूज जैसे बड़े मंच का उपयोग करके वंशराज दुबे ये बदतमीजी करना बंद करो, और तभी सीखो कि कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके बीच में नहीं बोला जाता है, तो चुपचाप सुना जाता है। तुम्हारी तमाम बदतमीजियों को मैं चुपचाप बैठ करके सुन रहा था, ऐसे बहस नहीं होगी। राकेश त्रिपाठी को अपनी बात करने दीजिए, आपको आपकी बारी थी, आपने बात की। हाँ राकेश जी, आप क्या क्या कर रहे थे? वंशराज दुबे तुम्हारी हैसियत नहीं है अभी, आप अपनी हमारी हैसियत आप मत देखिए, आप हमारी हैसियत मत देखिए, अपनी बात रखिए, अपने औकात में अपनी हैसियत में रहकर की बात करो, नहीं लगनी चाहिए अपनी हैसियत और औकात में रहकर की बात करो। वंशराज दुबे आप हमारी हैसियत मत दिखाइए, हैसियत और औकात, आप लोग राजा लोग हैं, हम लोग आम आदमी के लोग हैं, तो आप लोग राजा लोग हैं, कुछ डॉक्यूमेंट रखने चाहिए, कुछ तथ्य रखने चाहिए, कुछ साक्ष्य रखने चाहिए। चलिए राकेश जी, मेरा सवाल यही है, राकेश जी मेरा सवाल यही है, राकेश जी मेरा सवाल यही है कि अगर इस तरह की फोटो लगती है तो बीजेपी को आपत्ति है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, क्या आपत्ति है? बस नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर श्री जी कह रहा हूं कि धर्म से जुड़े हुए मसलों पर बात करते समय सावधानी संवेदनशीलता की आवश्यकता है। इस मसले को लेकर के धर्माचार्यों की राय ली जानी आवश्यक है। आप जानते हैं कि राम मंदिर का आंदोलन भी पूरी तरह से धर्माचार्यों के नेतृत्व में चला, इस संदर्भ में जो भी धन का संग्रह हुआ है वो भी धर्माचार्यों के नेतृत्व में हुआ है, जिसको लेकर के वे बज्जुबानी बैठ करके राम भगवान राम के द्रोही ये बैठ करके जो लगातार विरोध करने का काम कर रहे हैं। आज देश में अगर सोमनाथ का पुनरोद्धार होता है तो कौन करने का काम करता है? अगर महालोक का आज भव्य रूप सामने आता है तो उसको किससे बनाने का काम किया है? अगर गंगा की भव्य आरती दुनिया भर के सामने दिखाने का काम करते हैं तो किसने उसको किया है? आज 40 प्रमुख ऐसे तीर्थ हैं, चाहे वो चार धाम की यात्रा हो, चाहे वो राम सर्किट हो, बुद्ध सर्किट हो, अलग अलग प्रकार से आज सनातन काल का वैभव काल लेकर के आने का काम अगर नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, किस प्रकार का दीपोत्सव अभी हमने बनाया है? अरे नोट पे फोटो लगनी चाहिए, आप ये बताइए, आप कहां दुनिया भर का प्रवचन दे रहे हैं राकेश जी? कोई तर्क नहीं है, फोटो लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, सीधा सा सवाल है। देश की जनता आपसे पूछना चाहती है, डिबेट कर, देश की जनता आपसे पूछना चाहती है, लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगनी चाहिए? आप हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहे हो, नहीं नहीं डिबेट करना सीखे हो, आप हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहे हो, डिबेट करना सीखे हो, गजब की बात है, इसीलिए ज्यादा गजब की बात है, आप हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहे हो, आप सीधा बताइए लक्ष्मी जी और गणेश जी का विरोध क्यों कर रहे हो? आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का विरोध क्यों कर रहे हो? आप इस बात को बताइए, और मैं श्रेय जी क्या आपत्ति है? श्रेय जी एक और सवाल है मेरा, राकेश त्रिपाठी जी एक सवाल और है मेरा, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राकेश त्रिपाठी दुबे जैसे लोग अगर इस प्रकार की डिबेट करेंगे तो मुझे दुख के साथ मैं मना करूंगा कि मैं वंशराज दुबे जैसे लोग जो लगातार बीच में इंटरप्ट करने का काम करेंगे, मैं चुपचाप सुन रहा था, धैर्य पूर्वक सुना है मैंने, वंशराज दुबे की तमाम वाहियात बातों को सुना है मैंने, मुझे बात करने दीजिए, राकेश त्रिपाठी जी एक बार बताइए मुझे, इस प्रकार से लगातार बोलेंगे कि बीच में इंटरप्ट करेंगे? राकेश त्रिपाठी जी एक सवाल और है मेरा, आपको लगता है कि गुजरात इलेक्शन की वजह से ये हिंदू कार्ड एक तरह से खेल रही है आम आदमी पार्टी?
नहीं, ये रोहिंग्याओं को समर्थन करने वाले, बांग्लादेशियों के साथ खड़े होने वाले, दंगे में दंगे आरोपियों को बचाने वाले, हिंदुओं को लगातार अपमानित करने वाले, भारत के खिलाफ बातें करने वाले, ये अर्बन नक्सल के चेहरे, अब इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होगी। और ये गुजरात चुनाव को लेकर के फेंका गया इनका ये पासा इनके खिलाफ पड़ेगा और ये बूमरैंग होकर के वापस आएगा। और ये यू टर्न मुख्यमंत्री, जिनके नेताओं ने, सारे नेताओं ने एक एक करके कोर्ट में जाकर के माफी मांगी है, और मैं फिर कह रहा हूं चुनौती देकर के कि ये वंशराज दुबे जैसे लोग गिड़गिड़ाते हुए कोर्ट की चौखट पर खड़े होंगे माफी मांगने के लिए। आपके चैनल का उपयोग करके जो बड़ी बातें आज वंशराज दुबे ने कही है, मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं वंशराज दुबे जैसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम हम करेंगे। जो 8 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकारी स्कूलों पर ट्वीट ने किया, तुम्हारे लोगों ने माफी मांगी है, स्कूलों पर ट्वीट करना पड़ रहा है। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने सरकारी स्कूलों पर ट्वीट किया है, मैं चक्रपाणी जी के पास जाऊंगा, मैं चक्रपाणी जी के पास जाऊंगा, मैं चक्रपाणी जी के पास जाऊंगा, धमकाने का काम आप कर रहे हैं, चक्रपाणी जी के पास जाऊंगा, मैं चक्रपाणी जी के पास जाऊंगा, मैं दुबे जी, राकेश त्रिपाठी जी, आप लोग शांत रहिए। चक्रपाणी जी ये बताइए कि क्या चुनाव से पहले इस तरह से देवी देवताओं को लेकर, नोट को लेकर राजनीति होनी चाहिए, और एक तरह से कहा जाए कि इन मुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है राजनीति में? देखिए, अगर सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए अगर कोई भी बयान दे या बात करे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन अभी इस डिबेट में मैं सुनते सुनते बड़ा दुख हुआ, जिस प्रकार से चलिए आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता है, चलिए राजनीतिक पार्टी लगाती है, लेकिन जिस प्रकार से बीच में दुबे जी ने वीर सावरकर का नाम लिया कि हम वीर सावरकर नहीं है जो माफी मांग लेंगे, ये कितनी निंदनीय बात है कि जो वीर सावरकर ने देश आजादी कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आप देखो आप पार्टी से लड़ते लड़ते वीर सावरकर को ला दिए, देश के तमाम लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई है वीर सावरकर के प्रति, जो 8x8 के कमरे में अंडोवार निकोबार में 10,000 कविताएं लिखने का काम किया, और आप जो राष्ट्रभक्ति की कविताएं लिखने का काम किया, और उसके बारे में आप बोल रहे हैं कि हम माफी, हम वीर सावरकर नहीं है। अरे वीर सावरकर आप नहीं हो सकते भाई, लेकिन आप टीवी पे ना आपके औकात है ना किसी के औकात है वीर सावरकर होने की, आप राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं यहाँ पे। इस तरह की बेहूदगी अगर कहीं भी होती है तो श्रेय जी आपको भी रोके जाना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इस तरह की भाषा नहीं बोले जाना चाहिए। आप बात हो रही किसी और विषय में, वीर सावरकर को बीच में ला रहे, ये तो बहुत ही गलत बात है। आप देखो, पक्ष विपक्ष किसी चीज का हो सकता है, लेकिन आप महापुरुषों को लाकर के बीच में, स्वतंत्रता सेनानी जो जिन्होंने सर्वगत सबने छावर कर दिया, उनकी बातें कर रहे हो कि हम नहीं है। अरे वो वीर सावरकर जी कहां से आ गए भाई, डिबेट तो वीर सावरकर पे है नहीं, तो ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इनकी बयान की निंदा करता हूं। दूसरी बात देखिए, निश्चित रूप से अगर जो सिर्फ धार्मिक, चूंकि हम हमारी आस्था है भगवान गणेश में, हमारी माँ लक्ष्मी में आस्था है, निश्चित रूप से अगर केंद्र सरकार उसको अगर जो स्वीकार करती है, तो मैं तो बड़ा स्पष्ट हूँ इसमें कि हम समर्थन करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म की पताका हर जगह लहराए, और ये पहला देश नहीं होगा जहां पे गणेश लक्ष्मी जी का लगेगा, इसके पहले हमारे कई देशों में देश की, हमारे गणेश जी की वो लगा हुआ है, आप देखिए इंडोनेशिया में है, और वहां पे जो महर्षि महेश योगी ने जो डॉलर चलाया था उसमें भी भगवान राम का तस्वीर है, और उसकी वैल्यू वर्तमान में भी यहाँ पे भारतीय जो रुपया है उससे भी ज्यादा कीमती है नीदरलैंड में जो अभी भी चलता है। तो कई ऐसे देश में जो भगवान का लगता है और आस्था होती है, तो निश्चित रूप से भगवान अगर जो गणेश जी का लगता है, माँ लक्ष्मी का लगता है, तो हम तो व्यक्तिगत रूप से और अपने संगठन की तरफ से, हिंदू महासभा की तरफ से उसका समर्थन करेंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ राजनीति की ओर लाभ के लिए कोई करता है तो ये बड़ा गलत बात होगी। अगर जो मन में अगर जो कुछ है तो उसके लिए प्रयास करने चाहिए, उसके लिए कार्य करने चाहिए। जी, मेरा सवाल है मनोज पांडे जी से। मनोज जी बताइए कि आपको लगता है कि गुजरात में ये हिंदू कार्ड जिस तरह से खेला जा रहा है, हिंदू कार्ड कहीं काम करेगा? देखिए, कार्ड काम करेगा नहीं करेगा ये तो चुनाव का परिणाम आने के बाद पता चलेगा। नहीं, जो हवा पहली बात दूसरी बात कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं तराशी जाती हैं, दोनों संभावनाओं को भी तलाशा जाता है, तो हर राजनीतिक दल संभावनाओं को तलाशता है। केजरीवाल साहब भी, चूंकि इस समय वर्तमान में आप देखें तो सेकुलरिज्म, जो धर्म निरपेक्षता की राजनीति थी, अब धर्म निरपेक्ष संविधान का एक शब्द रह गया है। सत्ता पाने के लिए अब धर्म निरपेक्षता केवल और केवल कुछ राजनीतिक दलों के पास
उनकी खाती है। अब वो धर्मनिरपेक्षता नाम की कोई चीज नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि अब देश में जो सरकारों का, देखिए हिंदुत्व का सीधे कोई नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन हिंदुत्व के आधार पर वोट मिल रहा है ऐसा राजनीतिक दल अब मानने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से सत्ता में। और केजरीवाल साहब चूंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, पंजाब में उनकी सरकार बनी, अपने राजनीतिक दल का वो विस्तार करना चाहते हैं, सेकुलरिज्म के आधार पर अब उनको लगता है कि उतना विस्तार नहीं मिल पाएगा, तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के, सॉफ्ट हिंदुत्व इसलिए कह रहे हैं कि वो मुसलमानों का वोट छोड़ना भी नहीं चाहते, पहली बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है कि मुसलमानों का वोट अगर उसे मिलेगा भी तो न के बराबर मिलेगा, उनका अपना प्रयास जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि मुसलमानों का वोट नहीं लेना चाहती है, अभी पसमंदा मुसलमानों का इन्होंने सम्मेलन भी कराया, तो ये भी चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट मिले भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन केजरीवाल साहब ये साबित करना चाहते हैं कि जो हिंदुत्व है उसका कॉपीराइट अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, कांग्रेस इस तरीके की बात कर नहीं सकती। मैंने पहले कहा बसपा की तरफ से ऐसी बातें आ नहीं सकती, कुछ अन्य राजनीतिक दलों से इस तरीके की बातें हो नहीं सकती। तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा, दूसरा हिंदुत्व केवल भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है, और तीसरा केजरीवाल साहब ये जानते हैं कि उनके इस बयान से एक राजनीतिक हलचल हो सकती है, उनके ऊपर न कोई लायबिलिटी है न कोई ओनस है, प्रधानमंत्री जी से मांग करना है और दोनों हाथ लड्डू है। जैसे उनके प्रवक्ता अभी कह भी रहे थे कि भाई हम 8 तारीख को हम उनके पक्ष में पूरा जनमत चला जाए, वो गणेश लक्ष्मी जी के का चित्र करेंसी पर स्थापित करते, तो ये एक इस समय तो राजनीतिक स्टंट, इसे हम नहीं कहेंगे, राजनीतिक एक तरीके से सोच समझ और राजनीतिक रूप से लाभ लेने का प्रयास। और राजनीति हमेशा चलेगी, चुनाव इस देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में होंगे ही होंगे, क्षेत्रीय दल है और बाकी जो राष्ट्रीय दल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस का इस समय देखिए तो एक तरीके से अब उद्भव काल नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे पतन काल है, अभी राष्ट्रीय पार्टी वही है। राहुल गांधी जी भारत यात्रा पर निकले हुए हैं लेकिन किस उद्देश्य से निकले हैं ये तो कांग्रेस ही बता पाएंगे, उनका कोई प्रवक्ता यहाँ नहीं है, लेकिन कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। और केजरीवाल साहब जो मैदान खाली है उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, और राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो इस तरीके का बयान न कहिए, इस तरीके का राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं जिससे उन्हें, और हो सकता है इसे केवल एक जगह ना माने, राजनीति के कोई भी शब्द उसके मायने एक दिन के नहीं होते हैं, अब ये धीरे धीरे सतत आगे बढ़ने की प्रक्रिया रहेगी। एक राज्य का चुनाव समाप्त होगा अगले राज्य में भी आएगा, या देश का चुनाव होगा तब भी आएगा पार्लियामेंट में। भाई आप एक राजनीतिक दल है तो ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट के चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़ेंगे, तो एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में वो एक मुद्दा भी लेकर के आ रहे हैं, वो मुद्दा सेट कर रहे हैं, वो एजेंडा सेट कर रहे हैं। आगे अगर इस एजेंडे पर गुजरात में कुछ वोट मिला या सत्ता के करीब पहुंचे या सत्ता में पहुंचे, संभावनाएं हैं राजनीति में, तो अगर सत्ता में पहुंचते हैं तब तो उनके लिए बड़ी संभावना रहेगी, उसे पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में लेंगे। सत्ता में नहीं पहुंचते हैं अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तब भी वो उसे लेंगे ताकि एक राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज मिल सके, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ सके। तो वो राजनीतिक रूप से भाई हमने कहा ना कि चर्चा पर्चा और खर्चा, इसका वो प्रयोग कर रहे हैं, और राजनीति में प्रयोग तो परिणाम आने के बाद पता चल पाता है, और राजनीति के इस प्रयोग का परिणाम जब आएगा तब उस पर वो आगे चर्चा करेंगे, हो सकता है कि इससे कुछ लाभ मिले तो आगे बढ़ाएंगे। जी रवि भट्ट जी, एक सवाल मेरा ये है, आप इतिहासकार हैं, अगर बात करें जी पहले पुराने समय की, तो जो धर्म है वो धर्म जी जनता पे कितना हावी रहता था किसी शासक को एक्सेप्टेंस कराने में या नहीं कराने में? देखिए आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी शासक रहे हैं उन्होंने हमेशा धर्म के नाम पर ही शासन किया है, हर जगह पर किया है। जो शासक होता था वो धार्मिक कतई नहीं होता था, कोई जरूरी नहीं, कुछ हो सकता हो भी अपवाद के तौर पर ज़्यादातर शासक जो होते थे वो उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया है जनता के ऊपर राज करने के लिए। तो इसके अंदर तमाम देशों में अलग अलग वक्त पे धार्मिक चिन्हों का भी प्रयोग मुद्राओं के ऊपर किया गया है लोगों के धार्मिक भावनाओं को अपने पक्ष में रखने के लिए। जी तो मतलब आपको आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है?
इंटररिलेटेड नहीं है। आप देखिए ना, राजा को जो है भारत के अंदर भी राजा को माना गया है कि वो ईश्वर का दूत होता है, यही बात बाहर और दूसरे कंट्रीज के अंदर भी यही बात मानी गई है। तो क्योंकि इसीलिए इसी कारण से धर्म को इस्तेमाल करते हुए ही, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आके आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल होने की, अगर नहीं भी है तो भी चल जाएगा काम, है तो बहुत अच्छी बात है। तो पूरी दुनिया के अंदर ये हुआ है। तो जहां तक आपकी मुद्राओं का सवाल है, उसके अंदर भी धार्मिक चिन्हों का उपयोग इतिहास के अंदर हुआ है, कभी डायरेक्ट हुआ है कभी इनडायरेक्ट हुआ है। और उसका रीजन ये था कि धार्मिक भावनाओं को जनता की शासक के पक्ष में करने के लिए। जी अभिषेक पांडे का रुख करूंगा, हमारे ब्यूरो चीफ है। अभिषेक, अरविंद केजरीवाल को ये जो सपना आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं पॉलिटिकली? देखिए, नोट तो वोट दिलाता रहा, पहले से दिलाता रहा, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर नोट के ऊपर मनचाही तस्वीर हो और उससे मनचाहा लाभ मिले तो फिर सोने पे सुहागा है। अरविंद केजरीवाल इस मामले के बहुत बड़े मास्टर हैं, उनको पता है कि जो भी इसमें हाथ डालेगा उसके हाथ जलेंगे, कोई इसमें खुल के विरोध भी नहीं कर सकता। और अगर उनके पक्ष में बात जाती है तो हिंदू कार्ड जो बार बार कहा जा रहा था पर्दे के पीछे कि हिंदू कार्ड, अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव हिंदू कार्ड, वो तो खुल करके बात सामने आ जाएगी, एक नैरेटिव बनेगा, एक परसेप्शन बनेगा। भारत जैसे एक बड़ी बहुसंख्यक आबादी वाले देश में कोई इग्नोर नहीं कर सकता एक बड़ी आबादी को। लेकिन ये भी समझना होगा कि एक सेक्युलर देश है, हर धर्म को हर मजहब को यहाँ पे बराबरी का एक हिस्सा मिलता है। आप अमेरिका को आप देखिए कि सबसे समृद्ध देश है, उनके US डॉलर पे जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर लगी हुई है, वहाँ पे जीजस की तस्वीर नहीं लगी हुई, लेकिन ये भी लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट, यानी धर्म और सिविलाइजेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जिन लोगों ने काम किया देश के लिए वो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अरविंद केजरीवाल बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के, निकल के आए हैं सामने, उनको पता है कितना कदम चलने पे उनको कितना फायदा होगा। और इसीलिए अभी इस पर थोड़ा इंतजार करना होगा कि गुजरात चुनाव में उनका ये मास्टर कार्ड कितना सफल होता है। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रवि भट्ट जी आपका शुक्रिया, राकेश त्रिपाठी जी आपका शुक्रिया, चक्रपाणी जी आपका शुक्रिया, दुबे जी आपका भी शुक्रिया, मनोज पांडे आपका शुक्रिया, अभिषेक पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इस गर्मा गर्म चर्चा और बहस में सुना कि वोट के ऊपर अगर गणेश लक्ष्मी जी की फोटो की बात सामने आएगी तो किस तरह से पार्टियां रिएक्ट करेंगी, और ख़ास तौर पर बीजेपी, जो एक तरह से यही उसको कहा जाता है कि वो हिंदू वोट बैंक के तहत पूरी पॉलिटिक्स करती है, अब उसको ग्रैब करने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी ने। और आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि गणेश लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगाइए, लगाने के बाद क्या रिजल्ट होता है वो हमें स्वीकार है, अगर आप लगाते हैं तब भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तब भी ठीक है। अब आम आदमी पार्टी के पास तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, जिस तरह से पहले भी जिक्र किया गया कि अगर हमने तो एक कार्ड खेल दिया है, और गुजरात में आम आदमी पार्टी के पास होने के लिए बहुत कुछ नहीं है, वो प्रयोग कर रही है, वो विकास की बात कर रही है, अब गणेश लक्ष्मी की बात कर रही है, तो ये प्रयोग का दौर, कौन सा प्रयोग सफल होगा ये तो 8 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि इस वक्त ये मुद्दा पूरे देश में बहुत गर्माया हुआ है, और अभी आने वाले समय में इस पर और राजनीति देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।